आपका आत्मसम्मान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यू डू हैव अ ग्रेट सेल्फ रिस्पेक्ट, और ये सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। आप अपने हर बात को महत्व देते हो, अपने पॉजिटिव एनर्जी को पूरा महत्व देते हो। यू आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इस धरती के लिए, आप एक ब्लेसिंग हो, इस धरती के लिए आप एक ब्लेसिंग हो। अपने होने को पूरी तरह से स्वीकार करें, अपने होने को पूरी तरह से स्वीकार करें, अपने होने को पूरी तरह से स्वीकार करें, अपने होने को पूरी तरह से स्वीकार करें। आपके अंदर जो भी यूनिक क्वालिटीज हैं, आप उन्हें जानते हो। हर एक यूनिक क्वालिटी को आप जानते हो, और अपनी तारीफ सुनने पर आप बहुत प्रसन्न होते हो, स्वीकार करते हो। हाँ, मेरी अपनी क्वालिटीज के कारण ये तारीफ हो रही है, अच्छा है। आत्मसम्मान विकसित होने दीजिए। अपने आप को स्वीकार करते हो, अपने इमोशंस को स्वीकार करते हो, और इसी तरह दूसरों के इमोशंस को भी स्वीकार करते हो। आप अपने डिसीजन बहुत खूबसूरती से लेते हो, बहुत अच्छाई से लेते हो। आप ये जानते हो, मुझे हर चीज में हर एक व्यक्ति को खुश करने की जरूरत नहीं है, हर एक बात में मुझे हर एक व्यक्ति को खुश करने की जरूरत नहीं है। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप दुनिया में हर एक व्यक्ति को खुश कर ही नहीं सकते। जब कोई आपकी बुराई करता है तो आप इसे बहुत पॉजिटिवली लेते हैं और इसे एक उपाय समझते हैं अपने भीतर एक बदलाव लाने का। आप अपनी बुराई को, अपने किए हुए अपमान को पॉजिटिवली स्वीकार करते हैं, पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। आप अपने आप को भरपूर वैल्यू देते हैं, अपने आप को पूरा आत्म सम्मान विकसित होने देते हैं, बेहद प्रेम करते हैं खुद से। जैसे दूसरे जरूरी हैं, आप उनसे पहले जरूरी हैं, दूसरे भी जरूरी हैं, आप उनसे पहले जरूरी हैं। क्योंकि अगर आप ही बिगड़ जाएंगे तो दूसरे तो बिगड़ ही जाएंगे फिर। इसलिए दूसरों को स्वीकार करते हैं उतने ही प्यार से जितना आप खुद को स्वीकार करते हैं। वो जो बात बात में घबरा जाया करते थे, लोग क्या कहेंगे, वो नेचर को आज आपने अपने अंदर से हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं करेंगे, आपने इस बात को मन से पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। लोग क्या कहेंगे, इस बात को आपने अपने अंदर से हटा दिया है। आप जानते हैं, लोग तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अपना ध्यान इस बात को लेकर पूरी तरह स्वीकार भाव में आते हो, जानते हो कि लोगों का काम है, लोग तो कहेंगे, उसके बावजूद भी आपको अपना काम करना है। आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हो, पूरी तरह स्वीकार करते हो, पूरी तरह स्वीकार करते हो। अपने आत्म सम्मान की रक्षा करने के लिए आप कुछ भी करते हो, आत्म सम्मान की रक्षा करने के लिए। आप अपने बारे में पूरे अवेयर रहते हो, आप अपने आप को बार बार मोटिवेट करते हो, खुद को मोटिवेट करते हो, खुद को स्ट्रांग बनाते हो, खुद को बार बार अफर्मेशन देते हो कि आप बहुत रिस्पेक्टेबल हो, बहुत आदरणीय हो। और जैसे आप खुद को सम्मान देते हो, वैसे आप दूसरों को भी देते हो, पहले खुद को। आज से आप मेडिटेशन करने में आपको अपार शांति मिलती है, मन आपका बिल्कुल शांत होने लगा है। इस समय भी आपका मन बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है आपका मन, एकदम विचार शून्य है आपका मन, विचार शून्य है, भीतर से अपार शांति है। एक भी विचार आपकी मर्जी के बिना नहीं आता, एक भी विचार आपके भीतर आपकी मर्जी के बिना नहीं आता।
You are the master. You are the master of your thoughts. You are the master of your emotions. You are the master of your destiny. You are the controller. You are the master. खुद को स्वीकार करें, खुद को स्वीकार करें. मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करता हूं, करती हूं. अपनी हर कमियों के बावजूद भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं, करती हूं. मैं जानता हूं मैं परफेक्ट नहीं हूं, फिर भी मैं जैसा हूं वैसा ही हूं. मैं परमात्मा को बहुत प्यारा हूं. मेरे इस संसार में आना एक ब्लेसिंग है. मैं इस संसार को देकर जाऊंगा, बहुत कुछ दूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी आत्मा का कल्याण जरूर करूंगा. मेरी आत्मा दिन प्रतिदिन उच्चतर होती चली जा रही है, स्ट्रोंग हो रही है, पावरफुल हो रही है. स्वीकार कर रहा हूं मैं अपने आप को, अपनी हर कमियों के साथ अपनी महानताओं को स्वीकार करता हूं. परमात्मा ने मुझे इतनी सारे गुण देकर भेजा है, मैं अपने हर गुण को स्वीकार करता हूं, अपने हर क्वालिटी को स्वीकार करता हूं. अहम ब्रह्मास्मि, परमात्मा का रूप हूं मैं. अपने आप से कहें, खुद से, आप परमात्मा का स्वरूप हैं, आप परम आदरणीय हैं, आपको सम्मान मिलना चाहिए. पूरी तरह स्वीकार करें. अब मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको ब्लेसिंग दें. सद्गुरुदेव भगवान,